अच्छा जी, ये मैंने अब बनाया है। इसमें अजोला और डकवीड और वुल्फिया वगैरह इसमें डालना है। तकरीबन तैयार हो गया। इसमें कुछ 2 इंच मिट्टी है, फिर ये दो तीन क्या कहते हैं वो रेडी सी जो होती है एक पहिए वाली, उसका गोबर डाला है। और अब इसको चंद घंटे बस ऐसे ही रहने देना है, फिर पानी भरना है और उसके बाद मैं डाल दूंगा वो कल्चर जो है। अच्छा देखो जी, है पाया है आज जी, बिस्मिल्लाह कीती है, हुण वेने आ की बनता है। मेरे ख्याल को 10 को किलो में पाया है, सारा कुछ मैं मिला के। हुण वेखो किन्ने दिन हो गए ने, 10 दिन हो गए ने शायद। चंगा भला भर गया, पूरा भर गया। 21 सितंबर नू पाया सी, ते हुण अज की अज 2 अक्तूबर, ते किन्ने दिन हो गए, अज 11वां दिन है सवेर। ते कोई 10 को दिन लगे ने इनू भरन। ते गुलाम पुत्र, जे तू शेयर करना चाहना है तो कर लै, पर कोई हर्ज नहीं। साडा तो यही है कि लोगों को पता लग गया। ये जी, हमने अजोला, वुल्फिया और डकवीड का कल्चर भेजा था ग्रोथ के लिए। तो स्टार्ट में हमने देखा कैसे उन्होंने पॉलीथीन बिछा के एक तालाब बनाया, उसमें मिट्टी और ऊपर काऊ डंग डाल के पानी खड़ा किया और उसमें ये कल्चर डाल दिया। वहाँ पे बायोफ्ला के 2 टैंक हैं, वहाँ उसमें ये इस्तेमाल करेंगे। हमने पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इसका कल्चर भेजा और बहुत सारे लोगों ने इसे कामयाबी से ग्रो किया है, फिशिंग के लिए, पोल्ट्री के लिए, गाय भैंस बकरियों के लिए। अगर आपको अजोला, वुल्फिया या डकवीड में से किसी का कल्चर चाहिए हो या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, रहनुमाई चाहिए हो कैसे इसे ग्रोथ करनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।